हेलो दोस्तों, शिव साई इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक्सटेंशन बोर्ड, जो के एक स्विच और ये तीन सॉकेट का रहेगा। तो दोस्तों, ये एक्सटेंशन बोर्ड हमारे बहुत ही काम आने वाला है, जैसे कि फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ इससे चला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये हमने 8x5 के साइज़ का एक बोर्ड और शीट ये ले ली है। ये मैंने पहले से ही स्विच सॉकेट इसमें फिट करके रखे हुए हैं। तो देखिए, ये इसमें एक स्विच है और ये सॉकेट हैं तीन। तो इसी को आज हम कनेक्शन करने वाले हैं। तो ये जो पिने हैं, तो देख लीजिए, इसमें ये वाली राइट साइड की जो पिने हैं, ये फेस हम इसमें डालेंगे, और जो ये जो पिन है, ये देखिए, पलट के हमने ये दिखा दिया है, तो ये हमारा राइट साइड है। तो राइट साइड वाले में हमने फेस डालना है और लेफ्ट साइड वाले में हमने न्यूट्रल डालना है। तो हमेशा वैसे तो फेस ही राइट साइड में होता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि स्विच के साथ जो सॉकेट लगा होता है, तो हम लोग स्विच के नज़दीक सॉकेट वाली पिन पर ही फेस दे देते हैं। लेकिन हम इसमें ऐसा नहीं करेंगे, हम सॉकेट की राइट पिन पर ही फेस देंगे। तो चलिए कनेक्शन कर लेते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि ये फेस वाली हमारी पिने हैं, तो इन पर ही हम फेस की वायरिंग करेंगे। तो हमने ये रेड वाली वायर लेके और ये हम कनेक्ट कर रहे हैं राइट वाली सॉकेट की पिन पर। तो दोस्तों, आपने राइट वाली सॉकेट की पिन पर ही हर सॉकेट की राइट पिन पर ही आपने वायर लगानी है फेस की। तो ये देखिए, ये हमने एक सॉकेट पे लगा ली थी, तो अब हम ये दूसरे सॉकेट की राइट वाली पिन पर एक वायर लगा लिया, और उसी वायर के साथ एक और वायर जोड़ेंगे जो कि हमारी तीसरे सॉकेट पर जाएगी। तो दोस्तों, इसमें हमने आपको समझाने के लिए कलर वाइज ही वायर हमने ली है, ताकि आपको ठीक ठीक समझ में आ जाए। बाकी तो हम एक तार से भी इसकी वायरिंग कर सकते हैं, और हमें ध्यान रखना पड़ेगा उसमें एक कलर में कि हम कौन सी वायर हमारी फेस है और कौन सी न्यूट्रल है। तो दोस्तों देखिए, ये रेड वाली वायर हमारी हर पिन पर आ गई है सॉकेट की राइट पिन पर। जो हम इसको पलट के देखते हैं, तो देखिए, ये सॉकेट की हमारी राइट हैंड साइड की पिन है। तो दोस्तों, अब चलिए, अब हम स्विच के साथ भी कनेक्ट कर लेते हैं। तो स्विच की एक पिन पर हम ये एक वायर लगाते हैं रेड वाली फेस की, और फिर हम वही वायर जो हमने राइट साइड की पिन पर वायरिंग की है उसमें कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों, बिजली का काम बड़े ध्यान से करना होगा। अभी तो हम ये बगैर लाइन के काम कर रहे हैं, तो आप बहुत ही सावधानी पूर्वक ये काम आपने करना है। कभी भी चालू लाइन में काम नहीं करना है आपने, और पैरों के नीचे लकड़ी का फट्टा और शूज़ वगैरह अच्छे से ज़रूर पहन लेना। तो दोस्तों देखिए, ये हमने राइट साइड की पिनों पर उनके साथ ही कनेक्ट कर दी है, स्विच से लेके और सॉकेट की पिन पर रेड वायर। तो दोस्तों, ये फेस की जो वायरिंग है, ये हमारी कंप्लीट हो गई है, और फेस हम अब भी इसमें बाद में लगाएंगे। तो अब हमारे पास जो पिनें बची हैं सॉकेट की, तो वो हमारी न्यूट्रल की वायरिंग के लिए है। तो ये जो लेफ्ट साइड की पिनें हैं, तो इनमें हमने ब्लैक वायर का यूज़ किया है। तो ये जो पिने हैं, तो इसमें हम तो न्यूट्रल की वायर लगाएंगे इसमें।
तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने फेस की वायरिंग करी थी हर पिन पर, और ऐसे ही हमने न्यूट्रल की वायरिंग करनी है लेफ्ट वाली पिन पर। तो ये ब्लैक वाली वायर हम लगा रहे हैं इसके साथ, तो एक पिन से ये दूसरे सॉकेट की पिन पर जाएगी और उसी पिन से तीसरे सॉकेट पर जाएगी। तो देखिए ये हम लगा लेते हैं। तो ये जो बनेगा बोर्ड दोस्तों, ये बहुत ही काम आने वाला बोर्ड है। तो जब तक आपने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आपको अच्छे से अच्छी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर करना मत भूलना दोस्तों। तो देखिए अब तीसरे सॉकेट की पिन पर हमने लेफ्ट साइड में न्यूट्रल वायर जोड़ दी है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारी न्यूट्रल की वायरिंग भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारी मेन लाइन अब हमने जोड़नी है इसके अंदर। जो हमारी मेन लाइन है ये देखिए, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी न्यूट्रल की वायर है, ये लेफ्ट पिन पे पहले से दूसरे पिन पे और दूसरे से तीसरे सॉकेट की पिन पर गई है। तो ये स्विच की पिन से लेके हमने एक सॉकेट की राइट पिन पर, पहले सॉकेट की, दूसरे सॉकेट की राइट पिन पर और तीसरे सॉकेट की राइट पिन पर लगा दिया। अब हमारे पास मेन लाइन के लिए हमने ये दो वायर ले ली हैं, जिसमें कि हमारे पास एक रेड वायर है और एक ये ग्रीन वायर है। ब्लैक वाली वायर हमारे पास नहीं थी तो इसलिए हमने ये ग्रीन वायर का यूज़ कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये रेड वायर जो हमने लगा रहे हैं अभी, ये स्विच के नीचे वाले पॉइंट पर हमने दी है, और ये ग्रीन वायर हम न्यूट्रल वाली वायर पे, जो हमारे सॉकेट की पिन पर जो न्यूट्रल की वायर, ब्लैक वायर लगी हुई है, कहीं पर भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। न्यूट्रल की जो वायर है हम इन तीनों पिनों में कहीं पर भी कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये हम इस पिन पर हम कनेक्ट कर लेते हैं। हमारा जो बोर्ड है वो बन के रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों अब ये हमने कनेक्ट कर ली है और ये बोर्ड हमारा हो गया है रेडी। तो चलिए अब हम इसको लकड़ी के बोर्ड में फिट कर लेते हैं और फिर हम इसको चेक करेंगे कि हमारी वायरिंग सही हुई है या नहीं। तो ये देखिए दोस्तों, ये साइज़ जो हमारे पास, ये लकड़ी के बॉक्स का जो साइज़ है, ये 8x5 का साइज़ है। 8 इंची लंबा है और 5 इंची चौड़ा है। तो ये हम वायर निकाल लेते हैं। ये मैंने होल मैंने पहले से ही कर लिए थे ड्रिल मशीन से। तो देखिए दोस्तों, अब ये हमने निकाल लिए हैं वायर इसके साथ बोर्ड में। तो और अभी ये शीट, इस 4 स्क्रू हमने इसमें लगाने हैं और बोर्ड हमारा बनके रेडी हो गया है दोस्तों। अब हम इसको चेक करेंगे। तो फिलहाल अभी हम इसके स्क्रू सारे टाइट कर लेते हैं अच्छे से। और ये देखिए, अब हम हमने ये सारे स्क्रू हमारे टाइट हो गए हैं और अब हम चलते हैं इसको टेस्ट करने के लिए। ये एक स्विच और 3 सॉकेट का बोर्ड बनकर हमारा रेडी हो गया है। तो ये हमारे पास एक एक्सटेंशन बोर्ड है, इससे हम पावर देंगे इसको। ये हमने मेन लाइन एक्सटेंशन कोड में लगा दिए है दोस्तों। और हमारे पास में एक मैंने ये 0 वाट का बल्ब लिया है होल्डर, ये 2 पिन होल्डर है, इसे हम सॉकेट में लगाकर चेक करेंगे। तो देखिए दोस्तों, स्विच ऑन कर देते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये ऑन हो गया है बल्ब। और दूसरे सॉकेट को भी हम चेक कर लेते हैं, देखिए। और ऐसे ही हमने तीसरे सॉकेट को भी चेक कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हमारे कनेक्शन हुए हैं। तो वीडियो देख